हेलो फ्रेंड्स कैसे हो द क्रैकर्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वो है के मैप आज हम के मैप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए क्योंकि इसका बेनिफिट अपने फ्रेंड्स को भी मिल सकता है तो चलिए हम इस गेम ऐप को आज शुरू करते हैं तो सबसे पहले गेम ऐप डील्स विथ ओनली ज़ीरो वन एंड एक्स एक्स मीन्स डोंट केयर कंडीशंस यानी कि के मैप है वो जीरो वन एंड डोंट केयर कंडीशन में ही वर्क करता है तो क्या है ये के मैप इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड तो हमें पता चल गया कि के एम में कोई इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं है कि के मैप एक ग्राफिकल मेथड है इन के मैप ग्रेक ओड रिप्रेजेंटेशन इज इज़ यूज टू मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन कि केम ऐप को हम क्यों यूज़ करते हैं कि क्यों बिकॉज़ वी यूज टू मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम केम ऐप को यूज़ करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेथड आर अवेलेबल बट के एम इज वेरी सिंपल रादर देन अदर्स सो वी यूज़ के एम टू मिनीमाइज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट के में के में फंक्शन इज शो हियर इन इट इन दिस फंक्शन राइट लेफ्ट मोस्ट इज कॉल एम एस बी एंड धिस इज़ कॉल एल एस बी लेफ्ट साइड विथ And this is called maximum. Same, it is used for a three variable, and same, it is function used for a fourth variable. This first bit is called MSB. In this first bit, it's called MSB, a last bit called LSB. Okay, in KMAP 2.0. टू वेरिएबल हाउ हाउ टू रिप्रजेंट के एम एफ इन टू वेरिएबल दिस इज़ शो हियर टू वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल हो हमारे फंक्शन में तो हमें उसको कैसे के एम एफ के द्वारा हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है तो हमें पता है कि के एम एफ में अगर दो वेरिएबल हो तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रो धिस टाइप ऑफ सर्कल स्क्वेर इन दिस वी डू फॉर अ टू वेरिएबल ओन्ली टू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इन फर्स्ट लाइन वी पुट जीरो वन टू थ्री एंड वी राइड हियर ए एंड बी same pattern we follow if we if we also write b here and a here is not a problem but this 10123 is the most sequence because whenever we go for a four variable and three variable this sequence if we अगर हम फोर वेरिएबल या थ्री वेरिएबल में जाते हैं तो अगर जीरो वन टू थ्री ऐसी उसमें सिक्सटीन तक सीक्वेंस आती है तो हम, हम वो लिखने में गड़बड़ कर सकते हैं तो हमारा जो मिनिमाइज इक्वेशन है वो उसमें वो हमारा रॉन्ग होगा सो so, ये जीरो वन टू थ्री वाली ग्राफिकल मेथड है वो हमें सिर्फ याद करनी होगी तो ये टू वेरिएबल तो एकदम सिंपल ही है जीरो वन या जीरो वन टू थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं या जीरो वन टू थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं तो चलिए ऐसे ही थ्री वेरिएबल के लिए हम देख लेते हैं कि थ्री वेरिएबल के लिए कैसे लिखा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर के मैप तो थ्री वेरिएबल के लिए हमने देखा पहले ए को इन ग्राउंड साइड और बी सी को अप साइड ये आपकी चॉइस है आप यहाँ ए को रखना चाहते हो अप साइड और नीचे ग्राउंड यानी कि बी सी को नीचे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो ये आपकी चॉइस है और फिर हमें लिखने का है इस तरह से कि यहाँ आएगा ज़ीरो फिर होगा वन फिर होगा टू फिर होगा थ्री फिर वो फर्स्ट रो ख़त्म हो गई फिर सेकंड रो में आने का फोर्थ फिफ्थ फिर एक छोड़ देने का स्क्वायर फिर सिक्स एंड सेवन्थ

सेम पैटर्न यू फॉलो फॉर द फोर्थ वेरिएबल हेयर यू सो हाउ टू राइट फोर्थ वेरिएबल के मैप हेयर वी राइट ए बी एंड अपर सी डी सेम यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल है तो टू रेस टू फोर्थ यानी कि सिक्सटी लेकिन हम जीरो को काउंट करते हैं तो हमें फिफ्टी तक जाने का है तो उसमें लिखने की पैटर्न ये ये सिर्फ याद करने की होती है कि जीरो को यहाँ लिखने का फिर आएगा वन फिर एक स्क्वायर छोड़ने का पी टू फिर थ्री उसके बाद उसकी नीचे वाली रो में फोर्थ फिफ्थ फिर एक स्क्वायर छोड़ने का सिक्स एंड सेवन उसके बाद जो थर्ड रो है ना वो उस पहले फिल नहीं करने की पहले उसके बाद फोर्थ रो फिल करने की तो सेवंथ हो गया फिर एट नाइन टेन इलेवन और फिर थर्ड रो को फिल करने का ट्वेल्व थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टीन एंड दिस इज नथिंग बट जीरो जीरो विच मीन्स ए बार बी बार एंड जीरो वन मीन्स विच मीन्स ए बार बी विच मीन्स इफ वीर जीरो इस बार फंक्शन एंड वन इज़ ए नॉर्मल फंक्शन एंड वन वन विच मीन्स ए बी वन जीरो विच मीन्स ए बी बार सेम पैटर्न फॉलो फॉर सी डी फंक्शन तो फिर हमें ये तो याद हो गया और ये फिर जो हम करते हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन उस तरह से ये जीरो जीरो यहाँ आएगा जीरो वन यहाँ आएगा हमने ये थर्ड वाली रो को छोड़ देने का और वन जीरो यहाँ रख लिखने का और डबल वन यहाँ लिखने का तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये आ गया अच्छी तरह से आप ये सीख गए तो आपको के मैप में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं इस अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फिर के मैप को कैसे फिलअप करना है और कैसे रिड्यूस करना है वो हमें नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे तो चलो हम वो सीखते हैं तो यहाँ पे पहले टू वेरिएबल वाला फंक्शन लिया है मैंने ये एग्जांपल है वन उसमें आपको टू वेरिएबल में दिया है ये फंक्शन ए ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बी बार तो हमें पता ही है टू फंक्शन को हम जीरो वन जीरो वन से लिखते हैं तो यहाँ ए बी आप अपनी जगह पे बी नीचे ए ऊपर कोई भी ले सकते हो उसमें कुछ नहीं है फिर ज़ीरो वन जीरो वन तो हमें पता ही है कि यहाँ जीरो आएगा यहाँ वन यहाँ टू और यहाँ थ्री लेकिन इसमें जीरो वन टू के फॉर्म में नहीं दिया तो हमें ए बार बी बार के फॉर्म में दिया है तो हमको पता ही है कि यहाँ पहले जीरो वन है और यहाँ भी जीरो वन आता है तो ए, ए बार मैंने बोला कि बार वाला फंक्शन हो वो ज़ीरो होता है और जो बिना बार वाला हो वो वन होता है तो इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि ए बार बी बार तो दोनों ज़ीरो जीरो तो हमें दोनों जीरो, जीरो जीरो वाले फंक्शन में दोनों ज़ीरो जीरो है उस वाले फंक्शन में हमें वन मार्क करना है क्योंकि ये है एस ओ पी फॉर्म सम ऑफ़ प्रोडक्ट फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट में हम जो फंक्शन दिया है उसको वन से डिनोट करते हैं और पी ओ एस फॉर्म में उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं इतना पता चल गया तो हमें ए बार बी बार यानी कि जीरो जीरो तो ए जीरो और बी भी जीरो तो हमें इसको वन से डिनोट किया फिर आता है ए बी यानी कि ए भी वन होना चाहिए और बी भी वन होना चाहिए तो ये ए वाला बी वन है तो यहाँ तो जीरो है बी तो ये वाला उसमें हमने वन किया फिर यह ए बी बार तो ए वाला वन होना चाहिए और बी वाला जीरो तो यहाँ पे मैंने वन किया अब इम्पोर्टेंट है इसको मैं रिमूव कर, कर देता कर देता हूँ तो ये वन वन और ये वन हो गए अब जो मिनिमाइज करने का है उसमें एक है कि हमें दो हमें इस तरह से मिनिमाइज़ करना कि इसका वन वन का ग्रुप बने ना वो वन सिर्फ वन का ग्रुप बने टू फोर एट ऐसे ग्रुप में बनता है ना तभी हम उसको ग्रुप में लेते हैं अगर थ्री वाला फाइव वाला बनता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे वन वाला टू वाला फोर वाला एट वाला ऐसा होता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं थ्री फाइव फिफ्थ वाला ऐसा हमको कंसीडर नहीं करना है तो हमको पता ही है कि यहाँ वन 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 तो इसमें हमें पहले इस दो को कंसीडर किया तो हमें मिला सिर्फ बी बार कॉमन इस दोनों में से कॉमन कौन है यहाँ तो ए बार और ए तो कॉमन कोई नहीं है बट यहाँ बी बार कॉमन है इस दोनों में तो हमको मिला बी बार फिर उसको जाने देते बी बार हमको मिल गया फिर इस दोनों को कंसिडर किया वन वन तो यहाँ से हमको मिला ए बार ए ओनली एक मिला क्योंकि यहाँ बी बार है और यहाँ बी है तो वो दोनों भी नहीं तो हमें ए मिला तो हमने ए ए को लिया और बी बार को लिया लेकिन ये एस ओ पी फॉर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ सम तो हमें प्रोडक्ट करना है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ए प्लस बी बार ये टू वेरिएबल के लिए था सेम पैटर्न बट यहाँ इस वाले में हमको ए बी को फॉर्म में दिया गया था तो नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं उसमें जीरो वन के फॉर्म में दिया गया है आप देख सकते हो ज़ीरो वन फीरो वन टू के फॉर्म में तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई है जीरो वन टू थ्री अब टू फिफ्टीन तक कैसे लिखने का तो ये इसमें काम आएगा क्योंकि इस इस वाले एग्ज़ाम्पल में डायरेक्ट ही दिया है कि ज़ीरो वन तो हमको पता ही है कि ये ज़ीरो वन टू थ्री तो इस तरह से हमने लिख दिया ए, ए यहाँ बी यहाँ आप ऊपर नीचे लिख सकते हो उसके कोई नहीं फिर यहाँ पे जीरो आएगा वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा तो हमको लिख दिया फिर इसमें फिर यहाँ बोला है कि जीरो वन थ्री को कंसिडर करने का तो जीरो वाले बॉक्स में हमें वन लिखा फिर वन वाले बॉक्स में हमने वन लिखा फिर थ्री वाले बॉक्स में वन लिखा यानी कि वन यहाँ यहाँ और यहाँ आएंगे तो यहाँ वन हुआ यहाँ वन, वन हुआ और यहाँ वन हुआ अब आई नेक्स्ट स्टेप है पेयर बनाने तो हमको पता ही है कि पेयर एक यहाँ बनता है और ये इस दोनों में पेयर बन सकता है तो पहले इस दोनों में कॉमन क्या है ओनली ए बार कॉमन है बिकॉज हियर इज जीरो सो ए बार इज टेकन एंड देन दिस टू में कॉमन क्या है दिस टू में वन बिकॉज जीरो वन यहाँ आएगा तो ये वन वाला फंक्शन है वन यानी कि ऊपर वाला बी है तो बी और ये एस ओ पी फॉर्म में है तो हमारा आंसर हो गया है ए प्लस बी अगर सारे वैल्यू दिए गए हो तो सारे स्क्वायर में वन वन होगा तो हमारा फाइनल आंसर वन होगा यह भी इम्पोर्टेंट है अगर कोई भी वैल्यू ना दी गई हो तो सारे में ज़ीरो होगी तो हमारा आंसर भी ज़ीरो होगा ये इस वाले एग्जांपल में हमने लिया है टू वेरिएबल उसमें जीरो वाले जीरो थ्री न्यूमेरिकल है और ये डोन केयर कंडीशन ही है डोन केयर कंडीशन यानी कि कुछ नहीं लेकिन ये डोन केयर कंडीशन को हम से डिनोट करते हैं वही स्क्वायर में हम से डिनोट करते हैं और हमें जब भी ज़रूरत हो ग्रुप बनाने की यानी कि हमारा ग्रुप तीस थ्री थ्री पैर से बन रहा हो और एक डॉन केयर कंडीशन है तो हम उसको मिलाकर फोर्थ वाला ग्रुप बना सकते हैं तो ये डों डोंट केयर कंडीशन से हम फोर्थ ग्रुप को बना सकते हैं क्योंकि वो थ्री वाले ग्रुप होता है तो उसको हम पेयर नहीं बना सकते लेकिन उसको डोंट केयर कंडीशन में इंक्लूड करके हम फोर्थ वाला ग्रुप बना सकते हैं तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अपने आप जहाँ भी हो व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक जहाँ भी हो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको ये कैसा लगा वो कमेंट में भी बताइए और आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा चाहिए एग्ज़ाम आर नज़दीक है तो आपको भी पता पता है तो चलिए उससे पहले हम ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं तो इसमें जीरो वन और डॉन के कंडीशन में वन दिया है तो हमको पता ही है यहाँ ज़ीरो होगा यहाँ वन होगा यहाँ टू होगा यहाँ थ्री होगा तो ये लिख दिया फिर इसमें बोला है जीरो थ्री को मिनिमाइज करना है तो जीरो वाले बॉक्स में हमने फिल किया वन और थ्री वाले बॉक्स में हमने फिल किया वन और ये डॉन केय कंडीशन वन में है तो डॉन केयर कंडीशन वाले ये ये वन में हमने फील किया वन तो फाइनली हमें यहाँ और यहाँ वन मिल गया और ये डॉन के लिए वन है उसमें हमने किया एक्स तो आप देख सकते हो अगर ये डोन के कंडीशन नहीं होती यहाँ तो ये वाला वन और ये वाला वन हमें सिर्फ अलग अलग लेना पड़ता तो वो मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं होता लेकिन हम इस डॉन केयर कंडीशन को इंक्लूड करते हैं तो देख सकते हो आप मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो रहा है कि हम यहाँ से दोनों को पहले कॉमन ले एक पेयर बनाए और इस वाले में भी एक पेयर बनाए तो पहले हम इस वाले स्क्वायर में से पेयर बनाते हैं तो हमको पता ही है कि यहाँ तो बी और बी बार होता है ऊपर वाले में तो उससे कोई कॉमन नहीं होगा लेकिन यहाँ जीरो होता है यानी कि ये बार होता है तो हमें ये बार मिल गया फिर ये इस वाले स्क्वायर में से हम कॉमन ले तो हमें पता ही है कि बी कॉमन है तो हमारा आंसर ए प्लस बी हो गया तो डोन केयर कंडीशन का क्या इम्पोर्टेंट है वो इस वाले एग्जांपल से आप देख सकते हो सेम प्रॉब्लम है ये उसमें जीरो टू दिया और डोन केयर कंडीशन वन दिया तो जीरो यानी कि यहाँ होता है वन यानी कि डोन केयर कंडीशन यहाँ है और टू यानी कि यहाँ है तो इस वाले एग्जाम्पल में पहले हम इस वाले को लिया क्योंकि हमारा विदाउट डोंट केयर कंडीशन हमारा ग्रुप बनता है टू वाला तो हम डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड नहीं की तो इस वाले स्क्वायर में हमें पता ही है कि ओनली बी बार कॉमन हमको मिलेगा क्योंकि यहाँ होता है जीरो और यहाँ होता है वन सेम पैटर्न में यहाँ होता है जीरो और यहाँ होता है वन तो ये डोंट केयर कंडीशन दी गई थी लेकिन हमने इसमें यूज़ नहीं किया बिकॉज हमारी विदाउट डोन केयर कंडीशन हमारा टू फोर सिक्स एट ऐसा पेयर बन जाता है तो हम डोन केयर कंडीशन को यूज़ नहीं करते ओके okay? फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि ज़ीरो टू और डोन केयर में वन थ्री यानी कि जीरो हो गया वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया चारों आ गए तो हमको पता ही चारों आ गए तो वन हमारा फाइनल आंसर होगा ये टू टू वेरिएबल के लिए था अब नेक्स्ट है थ्री वेरिएबल के लिए हम कैसे मिनिमाइज एक्सप्रेशन कर कर सकते हैं तो आप देख सकते हो थ्री वेरिएबल के लिए ये पहले ए बी सी फॉर्म में दिया है तो हमने जैसे आपको बताया उसको थ्री वेरिएबल का लिखने की थ्री वेरिएबल का लिखने की टेक्निक है जीरो वन टू थ्री बीच वाला ये ये स्क्वायर है ना उसको स्किप करने का उसके बाद को इस वाले को लिखने का फिर इस वाले को लिखने का तो जीरो वन टू थ्री हो गया फिर होता है फोर्थ फाइव सिक्स एंड सेवन तो ये हो गए फिर उसमें इस वैल्यू को पुट करना है कि ए बार बी बार एंड सी तो हमें पहले जीरो वन यहाँ लिख दिया और यहाँ आता है जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन तो हमको पता ही है कि ए बार जीरो चाहिए तो ये जीरो वाला यहाँ है ए बार एन बी बार एन सी विच मीन्स ये जीरो जीरो वन तो बी बार सी यानी कि यहाँ होगा वन हमारा तो इस वाले में हमने वन लिख दिया फिर सेम पैटर्न ए बार हमको चाहिए और बी सी बार चाहिए तो इस वाले बॉक्स में हमने वन लिख दिया सेम पैटर्न हमें ए ए बार ए बी बार सी सी बार चाहिए तो ए बी बार सी बार यहाँ है क्योंकि ये ए है और ये बी बार सी बार है तो इस वाले में हमने वन लिख दिया फिर ए बी सी यानी कि तीन तीनों वन है तो तीनों वन तो हमें पता ही है लास्ट में होता है और फिर ए बी बार सी यानी कि ये हो गया अब इसको हम रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा वन यहाँ होगा था यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ पाँच हो गए एक टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव हमारे फाइव हो गए तो इसमें पैर कैसे बनाए तो हमको पता ही है कि इस तीन वाले को हम पैर नहीं बना सकते क्योंकि तीन वाला हमारा पैर नहीं होता तो फिर हम पहले इस दो को पैर बनाते हैं फिर इस दो का पैर बनाते हैं फिर इस दो का पैर बनाते हैं यानी कि हमारी वन टू थ्री पैर हो गई और लास्ट में ये सिंगल वाला है उसका पेयर बना तो हमको फोर्थ पैर मिल जाते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन के तो देख सकते हो आप कैसे मिनिमाइज़ किया है तो पहले इस वाले वन के लिए हम देखते हैं कि इस वाले वन के लिए हमने कॉमन क्या है उसमें कॉमन देखने का क्योंकि इसमें कॉमन बी सी बार है और इस वाले लाइन में कोई कॉमन नहीं यानी कि ए बार कॉमन है तो हमारा एक्सप्रेशन ए बार बी सी बार हो गया ये हमको मिल गया फिर इस वाले टू में हमने देखने का है कि कॉमन क्या है तो बी बार सी तो कॉमन है लेकिन इस वाली रो में ए बार और ए है तो हमारा कॉमन नहीं है तो सिर्फ बी बार सी हमारा कॉमन है तो ये दोनों मिल गए हमें कॉमन ये और ये फिर इस वाले दो में देखते हैं कि इस वाले दो में हमारा कॉमन ये ये वाली रो में तो ए कॉमन है लेकिन इस दो वाली रो में हमें बी बार ही कॉमन मिलता है क्योंकि सी तो सी बार और सी दोनों होते हैं तो हमें ए और बी बार मिल गए सेम पैटर्न हमें इस वाले बॉक्स में करने की कि इस वाले बॉक्स में हमें ए बार तो कॉमन मिलता है लेकिन यहाँ हमें ओनली फॉर सी कॉमन मिलता है क्योंकि बी तो बी और बी बार होता है तो फिर हमें इस वाले में ए और सी दोनों मिल गए तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन है सम ऑफ एस ओ पी फॉर्म में तो देखते हो आप थ्री वेरिएबल के लिए कैसे हमने ये, के मैप को यूज़ करके उसको मिनिमाइज़ किया सेम हियर लेकिन यहाँ हमने थ्री फोर यानी कि नंबर का वैल्यू का यूज़ किया है उसमें वेरिएबल दिया गया था ए बी सी डी फॉर्म में और यहाँ नंबर दिया है तो नंबर दिया है तो हमें तो पता ही है कि नंबर को कैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं फिर उसके बाद जो नंबर दिया गया है उस पे जाने यानी कि थ्री फाइव सिक्स सेवन तो थ्री में वन लिखने का फाइव में वन लिखने का सिक्स में वन लिखने का सेवन में वन लिखने का तो हमारा लास्ट वन 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 यहाँ हुआ तो फिर यहाँ पैर हमने वन ये बनाई दूसरी पेयर ये बनाई और तीसरी पेयर इस दोनों की बनाई तो हमें थ्री वेरिएबल मिल गए फ़ाइनल आंसर हमारा फिर नेक्स्ट हमें देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें भी वो ही न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए तो हमें पता ही है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इसमें ज़ीरो दिया गया है तो ज़ीरो में हमने वन लिखा फिर जीरो में हमने वन लिखा यहाँ पे फिर वन पे लिया है तो वन पे वन लिखा फिर टू टू पे वन लिखा फोर्थ पे वन लिखा और फाइव में वन लिखा तो ये हो गए हमारे वन यहाँ 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 और वन यहाँ तो हमको पता ही है कि चार वाला जो पेयर हो हम उसको कंसीडर करते हैं तो पहले इस वाले को कंसीडर किया तो इस वाले में हमको कॉमन सिर्फ बी बार मिला तो वो, वो बी बार हो गया फिर ये अकेला वन हम नहीं ले सकते तो इस ओनली वन को हम ये वन के साथ पैर बना सकते हैं क्योंकि फोल्डिंग ये स्क्वायर है ना वो फोल्डिंग वाला होता है ऐसे वो तो हम इसको और इसको कॉर्नर वाले को पैर बना सकते हैं ऊपर ऐसे हो ना तो इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर वाले के साथ पैर बना सकते हैं या इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर वाले के साथ पेयर बना सकते हैं तो हमने इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से पैर बना दिया तो यानी कि दो वाली पैर हो गई ना तो हमारा काम बन गया दो वाली पैर चाहिए चार वाली सिक्स वाली और एट वाली पैर चाहिए इवन वाली पैर चलती है वर्ड वाली पैर हो तो हमें उसको इवन वाली पैर से मिला देना चाहिए तो हमें इस वाले दो को कंसिडर किया तो हमें ए बार और इस वाले दो में सी बार यानी कि ए बार सी बार हमको मिला तो हमारा फाइनल आंसर मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी बार प्लस ए बार एंड सी बार सेम पैटर्न वी फॉलो फॉर हियर ये है मिनिमाइज एक्सप्रेशन मिनिमाइज मिनिमाइजेशन तो ऑक्टल में ग्रुप ऑफ एट सेल क्यों बनते हैं क्योंकि हमें पता ही है कि थ्री एलिमेंट उसमें दिया है तो बे इसका मतलब एट होता है सेम पैटर्न क्वार्ट में ग्रुप ऑफ़ फोर पेयर में ग्रुप ऑफ़ टू मिलता है सिंगल टर्म में वन सेल मिलता है रूमू फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब आपको ऐसा इक्वेशन दिया ऐसे कि इसको इसका आइडेंटिफाई कीजिए आई पी आई और ई पी आई तो आई पी आई और ई पी आई क्या है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फिर ये एकदम सिंपल सा हो जाएगा तो चलिए आई पी आई और ई पी आई क्या है वो आई का मतलब है आई का मतलब है इम्प्लीकेंट यानी कि इच मिन टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन इज नोन एज अ इम्प्लिकन यानी कि जो हमें इस वाले फॉर्म में दिया गया था सोचने के लिए के जीरो टू थ्री फोर्थ तो इसमें इस वेरिएबल को गिन के लिखने का वो हमारा होता है इम्प्लीकंट आई सिंपल ही है इम्प्लीकंट तो जो हमें दिया गया है उसमें ये जीरो एक दो तीन चार तो हमारा इम्प्लीकेंट हो गया फोर्थ तो इम्प्लीकेंट तो सिंपल ही है फिर होता है पी आई तो पी आई क्या है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ट्रम ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेल तो पी आई क्या है कि जो हम इस स्क्वायर में स्क्वायर दिया है उसमें जो पैर बनाते हैं कि तो वो पैर कितनी बनी उसका नंबर हमको पता चल जाए तो वो नंबर ही होता है पी आई पता चला कि स्क्वायर में जो पेयर बनाते हैं हम उस पैर की कि अगर इस सेल सेल में हमें थ्री पेयर मिली तो वो थ्री पेयर ही हमारा प्राइम इम्ली इम्प्लीकेंट होता है अगर फोर्थ सेल मिली तो फोर्थ इम्प्ली हमारा प्राइम पी आई होता है फोर यानी कि पी आई प्राइम इम्प्लीकंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पेर वी ऑप्टेन फ्रॉम द केम एप धैन धैन ईपीआई विच मीन्स एसेंटीयल प्राइम इम्प्लीकंट एसेटीयल प्राइम इम्प्लीकंट विच इज द प्राइम इम्प्लीकंट विच इज पॉसिबल टू कम्बाइन ओनली इन वन वे एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव इन द टर्म रिक्वायर कंपलसरी इन अवर आंसर यानी ई पी आई क्या है वो हम इक्वेशन वो हम एक एग्जाम्पल लेके सीखते हैं आइए तो अगर ये दिया है हमको इक्वेशन क्वेश्चन तो इसमें हमें मिनिमाइज फाइंड करना है और उसमें आई पी आई एप्पलिकन प्राइम एम्प्लिकन और ई पी आई फाइन करने का है तो जैसे हमने बताया आई विच मीन्स यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उसको लिख उसको काउंट करने उसके बाद लिख देने का यानी कि वन टू थ्री फोर तो हमारा इम्प्लीगन है फॉर फिर पी आई पी आई विच मीन्स हमको पता ही है यहाँ जीरो वन टू थ्री यहाँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो वन में वन होता तो उसमें उसके बाद वन में हमें वन लिखने का है टू में वन लिखने का है थ्री में वन लिखने का है और सेवन्थ में वन लिखने का है तो वन 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 यहाँ गए तो हमको पता ही है कि पैर कितनी बनेगी वन पैर बनेगी ये वाली दूसरी पैर ये वाली और तीसरी पैर ये वाली मिलेगी तो पी आई इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ पेयर वी ऑप्टेन फ्रॉम अ के मैप तो ये हमको तीन के मैप की पैर मिल गई और के मैप का जो हमें पैर मिली उसको मिनिमाइज करके हमें लिख लिख दिया ये और ई पी आई नथिंग बट इस टर्म को लिख गिन के लिखने का अगर कोई रिटर्न है तो उसको रिमूव करके लिखने का तो थ्री मिलेगा हम इस वाले एग्जाम्पल में तो कोई रिटर नहीं है सो ई और पी सेम ही होगा क्योंकि वन टू थ्री लेकिन अगले वाले एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि ए, पी और ई कैसे दोनों डिफरेंट होते हैं तो चलिए उस वाले एग्जाम्पल को हम शुरू करते हैं यहाँ भी पी आई और ई पी आई थ्री दोनों सेम है तो इस वाले को रहने दें दे। इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं अब तो यहाँ हमें क्वेश्चन ये है और इसका आई पी आई और ई पी आई फाइन करने का है तो हमें पता ही है उसको हम ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे लिखते हैं और हमको वन थ्री सिक्स सेवन यानी कि एक दो तीन चार तो हमारा आई फोर हो गया और फिर वन लिखने की बारी आई तो वन थ्री सिक्स सेवन में वन लिखने का तो वन थ्री सिक्स सेवन में हमने वन वन लिख दिया इस चारों जगहों पर तो इस वन वन यहाँ आ गया अब पैर बनाने की बारी आई तो हमें पता ही है कि पैर एक दो ये दोनों पैर भी बनी और उसके बाद ये पैर भी बनती है तो पी आई मैंने बोला कि पी आई क्या है कि नंबर ऑफ पेयर ऑप्टेन फ्रॉम के मैप तो हमको पता ही है कि वन दूसरे कलर से दिखाता हूँ नंबर ऑफ हमें फर्स्ट ये मिली पेयर फिर दूसरी वाली ये मिली पेयर और तीसरी ये पेयर मिली तो हमको टोटल नंबर थ्री पेयर मिली तो हमारा पी आई होगा थ्री लेकिन ई पी आई है ना वो हमको सिर्फ दो ही मिला ये और ये हमने इस दो पैर को कंसिडर किया तो हमारा मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया तो हमारा ई पी होगा दो और पी में हमने इस वाली ये बीच वाली जो है ना उसको भी काउंट करना होता है क्योंकि उसमें ऑल ओवर जो पैर बनती है ना वो काउंट करते हैं और ई में हम जो फाइनल मीन टर्म मिलता है उसमें हमने किस कितनी पैर यूज़ की वो मिलता है तो ई के लिए हमने फर्स्ट और ये दोनों यूज़ किया तो सारे ये वन थ्री सिक्स सेवन कवर हो गए और हमारा मिनिमाइज हो गया लेकिन पी में हमने पी के लिए हमने ये वाली ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली क्योंकि तो पी में नंबर ऑफ पैर कितनी बनती है वो फाइन करने का होता है तो ये हो गया है थ्री वेरिएबल के लिए ये सेम एग्जांपल है आप कर सकते हो अपने होमवर्क के तौर पर और अपना आंसर चेक करके देख सकते हो तो आइए हम फोर्थ वेरिएबल के लिए देखते हैं उसके पहले हम सेम पैटर्न थ्री वेरिएबल के लिए हम एक डॉन केयर कंडीशन का भी इक्वेशन ले लेते हैं थ्री वेरिएबल के लिए है क्वेश्चन और उसमें हमें ये दिया है एंड डोन केयर कंडीसन भी दी गई है तो हमको पता ही है डोन केयर कंडीशन तो जीरो वन टू थ्री फोर्थ फाइव सिक्स सेवन ये हो गए फिर हमें कहाँ कहाँ पे वन लिखने का है जीरो वन सिक्स सेवन पे तो जीरो पे वन लिखा वन पे वन लिखा सिक्स पे वन लिखा और सेवन पे वन लिखा फिर डोंट केयर कंडीशन कहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है टू और थ्री तो डोंट केयर यहाँ है और यहाँ है तो हमको पता चल गया कि हम हमें कौन सी पेयर बना लेनी चाहिए कि हमें पहले ये फोर्थ वाली पेयर सिंगल ये फोर्थ वाली है तो इसको पेयर के लिए कंडी कंसीडर करें और फिर इस चारों को दूसरी पेयर के लिए कंसीडर करें तो पहले वाले से तो हमें ए बार मिलता है कॉमन और दूसरे वाले से हमें बी और ओनली बी कंस ओनली बी मिलता है क्योंकि इस वाले में ए बार और ए है तो कोई कॉमन नहीं है लेकिन इस दोनों में हमें बी फाइनली मिला तो हमारा फाइनली आंसर हो गया है ए बार प्लस बी तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ डोन केयर कंडीशन का यूज़ किया है बिकॉज ऑफ मेक ऑफ अगर आपको पेयर पहले से ही मिल जाती है तो हम डोन केयर का यूज़ नहीं करते लेकिन यहाँ रीडर मिनिमाइज करने के लिए हमने ये दो, दो डॉन केयर कंडीशन का यूज़ किया तो सेम पैटर्न है अब एक एग्जांपल हम फोर्थ वेरिएबल के लिए कर देते हैं तो फोर्थ वेरिएबल के लिए हमें सिग्मा एम दिया है तो हमें पता ही है फोर्थ वेरिएबल के लिए कि हमारा हम फोर्थ वेरिएबल के लिए ज़ीरो वन का कैसे लिखते हैं हमको पता है जीरो वन जीरो वन टू थ्री फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो ये लिख दिया उसके बाद हमें दिया है जीरो वन तो जीरो वन पे वन वन फिर टू थ्री टू थ्री पे वन वन फिर टू थ्री हो गया फिर फाइव सेवन तो फाइव सेवन पे वन वन फिर एट नाइन तो एट नाइन पे वन वन फिर इलेवन टवेल्व इलेवन थर्टी तो इलेवन पे वन थर्टी पे वन और फिर है फिफ्टी तो फिफ्टी पे वन तो आइए हम पैर बनाते तो हमको पता ही है ये चारों तो हो गए तो हमारी पैर फर्स्ट वाली तो ये बन गई फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट वाली हमारी दूसरी पैर हो गई ये वाली दूसरी पैर हमारी बन गई फिर हमारा ये सिंगल वन रह गया तो ये सिंगल वन के लिए हम इस दोनों को कंसीडर करें और इस दोनों को कंसीडर करें तो फोर्थ चारों मिल जाते हैं तो चारों के लिए हमारी तीसरी पैर हो गई तो हमें पता ही है तो हमारा पी क्या हुआ हमारा पीआई वन इस वाली पैर ये दूसरी वाली पैर और ये तीसरी वाली पैर तो हमारा पी आई हुआ थ्री नंबर ऑफ पैर एंड ई पी आई भी हमारा थ्री होगा क्योंकि इससे हम कोई इसको इसमें से कोई पैर को हम घटा के कोई मिनिमम मिनट फाइन नहीं कर सकते तो हमारा पी आई और ई पी आई दोनों थ्री हुआ सो तो हमें फाइनली आंसर ये मिला सेम पैटर्न है इस वाले एग्जाम्पल में अब देख सकते हैं इसमें भी पीआई और ईपीआई फाइंड करने का पूछा है और ये फाइव वेरिएबल के लिए है फाइव फाइव वेरिएबल को हम के मैप के ज़रिए कैसे ये सॉल्व करते हैं तो हमको पता ही है कि फोर्थ वेरिएबल के लिए हमारा जो स्क्वायर मेथड है उससे तो हम कर सकते हैं लेकिन ये फाइव वेरिएबल के लिए कैसे करते हैं तो आइए हम उस उसको देखते तो हमें पता ही है कि हम फोर्थ वेरिएबल के लिए ऐसे स्क्वायर के माध्यम से हम की करते हैं लेकिन जब फाइव वेरिएबल हो तो उसमें एक वेरिएबल को ए को जीरो कंसिडर करना और दूसरे को वन कंसिडर करना अगर फर्स्ट वाले में जीरो कंसिडर किया है और उसमें उस, जो रिमेनिंग फोर है उसको हम जो नॉर्मल मेथड लगाते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी ऐसा हो गया और दूसरे वन वाले को फिफ्थ वेरिएबल है यानी कि टू रेस्ट टू फाइव तो हमारा टोटल थर्टी टू थर्टी टू होगा तो हमें थर्टी वन तक जाने का है तो दूसरे वाले स्क्वायर में हमारा फिफ्टी तक कि हो गया फिर सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी एंड थर्टी वन तो हमारा फाइनल ये दोनों हो हो गया तो फिफ्थ वेरिएबल के लिए ऐसी मेथड है ये बहुत ही एग्ज़ाम में रेल केस में पूछी जाती है क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम भी बहुत कम दिया जाता है एग्जाम में तो ये बहुत ही कम पूछी जाती है लेकिन जी की एग्जाम या अपनी कॉलेज की एग्ज़ाम में जो रिटर्न एग्जाम है उसमें पूछ लेते हैं तो बता दिया फिफ्थ वेरिएबल को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये ये हमने ये सब एस फॉर्म में देखा अब एक एग्ज़ाम्पल पीओएस फॉर्म में देख लेते हैं कि पीओएस को कैसे लिखते हैं एस ओ फॉर्म को हम इस तरह डिनोट करते हैं और पीओएस फॉर्म को इस तरह डिनोएट करते हैं पी ओ एस और ये है एस ओ पी सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम ओके तो हम एक एग्जांपल पी ओ एस का भी कर लेते हैं तो सेम पैटर्न का है लेकिन हमें पी ओ एस है ना उसमें जो हम एस ओ पी में वन लिखते थे उसकी जगह पे जीरो लिखने का तो यहाँ जीरो वन थ्री है तो हमें जीरो में जीरो लिखा वन में ज़ीरो लिखा और थ्री में जीरो लिखा और सेम पैटर्न हमको जो हम फॉलो करते हैं पेयर बनाने की वो सेम पैटर्न फॉलो करने की है लेकिन हम पी ओ एस में ए प्लस बी बार लिखते थे तो उसमें बीच का ये है वो एस ओ पी फॉर्म था यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट तो बीच में सम होता है प्रोडक्ट का लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम है तो प्रो पी ओ एस तो प्रोडक्ट ऑफ सम तो बीच वाले में प्रोडक्ट आएगा तो हमें बीच वाले में प्रोडक्ट के लिए इस तरह से लिखने का है कि पहले ए हमको कॉमन मिला तो हमने ए लिख दिया फिर बीच वाले में प्रोडक्ट करने का है और फिर इस वाली पैर में से हमें बी को कॉमन मिला क्योंकि यहाँ जीरो वन होता है उल्टा सब हो जाता है यहाँ जीरो वन है तो इस वाली पैर में से हमें जीरो कॉमन मिला लेकिन ये पी ओ एस फॉर्म है तो पी ओ एस को हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो ज़ीरो वाला है वो वन में कन्वर्ट होता है और वन वाला है वो जीरो में कन्वर्ट होता है जो प्लस वाला चिन्ह है वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये एस ओ पी और पी ओ एस को कैसे चेंज करते हैं तो हमें पता है ये जीरो है तो इसको मैंने वन में यानी कि ए में लिखा फिर प्रोडक्ट आता है और इस वाले में से हमें बी कॉमन मिलता है लेकिन ये पी ओ एस फॉर्म है तो उसको बी बार के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये पी ओ एस फॉर्म हो गया हमारा सेम एग्जांपल है हीयर जीरो टू थ्री तो जीरो टू थ्री तो इस वाले में से हमें बी कॉमन मिला लेकिन ये पी ओ एस फॉर्म है तो बी को हम बी बार यहाँ ऊपर होता है तो बी को मिला हमें कॉमन फिर यहाँ पे जीरो जीरो यानी कि एक बार कॉमन मिला क्योंकि यहाँ जीरो वन है लेकिन ये जीरो वन हम पी ओ एस फॉर्म में वन को जीरो से डिनोट करते हैं तो हमें एक बार मिला तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया द सेम पैटर्न डोन केयर कंडीशन के लिए जो हम एस ओ पी फॉर्म में यूज़ करते हैं सेम पैटर्न यूज़ करने की है आप देख सकते हो ये सारे एग्जाम्पल हैं तो आज हमने एस ओ पी पी ओ एस को के मैप के द्वारा कैसे मिनिमाइज़ कर दिया है करना है वो सारा सीखा डॉन केयर कंडीशन सीख ली टू थ्री फोर्थ फाइव वेरिएबल को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू के मैप के द्वारा वो हमने सीखा तो हमारा फाइनली के मैप कंप्लीट हो गया अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने एक फ्रेंड को सब्स सेंड कीजिए क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और रेगुलरली इस चैनल पर अपडेट आती है तो आप अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए थैंक यू